हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। त्योहारों का मौसम चल रहा है तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, और सर्दी तो बहुत ही बढ़ गई है भाई एकदम से। और अब मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मैं आ रही हूँ दिल्ली, और हम लोग अब पूजा करके आ चुके हैं गांव में जहाँ पे मेरठ में हम लोग गए थे, और अब मैं आ गई हूँ दिल्ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अब आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी वाली वीडियोज़ मैं आगे शेयर करती रहूँगी, सो प्लीज़ ज़रूर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ, यानी अपनी मदर इन लॉ के साथ, उनके साथ अपने ससुराल, यानी कि जो मेरे बड़े भैया हैं, यानी कि जो मेरे जेठ हैं, उनके घर पे। और हम लोग सारे मिलके यहाँ पे कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की तैयारियाँ, और मेरी मम्मी ने बना दिया था यहाँ पे गोवर्धन, और उसको डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ें करना ये काम मिला था मुझे। तो यहाँ पे गोवर्धन मम्मी ने बना दिया, उसको डेकोरेट सारा मैंने किया है, और यहाँ पे एक रंगोली की तरह उन्होंने यहाँ पे मैंने आटे से बना दिया था, और साथ ही यहाँ पे मैं और मेरी भतीजी हम दोनों मिलके यहाँ पे दिए जला रहे हैं। और हमने यहाँ पे पंडित जी को बुलाया था, कुछ लोग इसे घर पे अपने आप भी कर लेते हैं, हमारे यहाँ पंडित बुलाए जाते हैं। तो जब अहोई अष्टमी का जब व्रत रखा जाता है तब जो मटकियाँ रखी जाती हैं वो मटकियाँ हम यहाँ रखते हैं, जब ये गोवर्धन की पूजा होती है तब हम ये मटकियाँ यहाँ पे रखते हैं, और पूरा परिवार मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो त्यौहार जब भी हो परिवार मिलके बनाए तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ हम सब पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। और जो गोवर्धन की पूजा होती है ज़्यादातर घर में या घर के बाहर जो हमारा आंगन होता है या हमारी बालकनी होती है, हमारी लॉबी एरिया से थोड़ा सा आगे वाला एरिया होता है, उन जगहों पे ज़्यादातर ये गोबर से बनाया जाता है, और ये गाय के गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। और इस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। ज़्यादातर ये पूजा हमारे परिवार में मैंने जो देखा है अभी तक, आदमी करते हैं इस पूजा को, और फिर उसके बाद औरतें भी करती हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी पहले तिलक वगैरह करवा रहे थे, उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ा रहे थे, और जब ये सारी चीज़ें जो होती है ना बहुत मज़ा आता है सच में, और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलता है। वरना अगर हम सारी ये सारी चीज़ें ना करें तो ये सारी चीज़ें एक धीरे धीरे करके बिल्कुल विलुप्त होती जाएंगी, मतलब ख़त्म होती जाएंगी। हमारे आने वाली जनरेशन को कुछ पता ही नहीं होगा कि कौन से त्यौहार में हम कैसे क्या मनाते हैं, क्या करते हैं। तो आई थिंक फेस्टिवल्स इसीलिए होते हैं कि परिवार में बॉन्ड बना रहे, परिवार में एकता बनी रहे, और बस इतना सा ही मैसेज है मेरा, इतना सा ही एक मेरा विचार तो यही है, बाकी पता नहीं। और आप लोग कैसे मनाते हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी शेयर करने जाऊँगी, आगे करती रहूँगी। प्लीज़ मेरी सारी वीडियोज़ देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप प्यार देते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि वो आपकी जो मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसको आप लोग अप्रिशिएट करें। मैं उस चीज़ का मुझे भी लगे कि हाँ, आप मेरी YouTube फैमिली इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। सो प्लीज़ देखते रहिए, और बताइएगा ज़रूर कि आपने गोवर्धन में क्या क्या किया और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भैया जो मेरे बड़े भैया हैं, मतलब मेरे जो जेठ हैं वो, और मेरे हस्बैंड और बच्चे, पंडित जी सब मिलके यहाँ पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, और उसके बाद हम सब परिक्रमा लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे। बस इतना सा ही था हमारा गोवर्धन पूजा, और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो यही होती है बस पूजा पाठ फेस्टिवल का मतलब। घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी चली जाती है, और बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगे, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।